First, today we will do listening exercise of chapter 10, Grandfather Tells a Story. So listen this audio carefully and do the exercise given on page number 82. Ruhi and her friends had a lot of fun listening to Grandfather's story. Next, Grandfather plays the game Listen and Point. Listen to the poem carefully and point to the thing or person it speaks about. Look at the example. 1, 2, where is your shoe? 3, 4, where is the door? 5, 6, find the thing that ticks. 7, 8, what is the date? 9, 10, who is your friend? Okay kids, now you have to do this exercise on page number 82. Now turn to page number 83. Time to speak. Now we will do speaking exercise of chapter 10. Okay, yahan par conversation diya hua hai. Two kids yahan par hain, Roni and Ruhi. So read what Roni and Ruhi are talking about. Roni, what do you do when you get home from school? तो रोनी जो है वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं रूही से कि जब आप घर स्कूल से घर वापस आती हो तो आप क्या करते हो. तो रूही उनको बता रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, आई हैव लंच देन आई प्ले विद माई पैट डॉग. तो देखिए यहाँ पर दोनों का कन्वर्सेशन आपने रीड किया. इसी तरीके से आपको करना क्या है, आपको अपना एक पार्टनर लेना है. आप अपने फ्रेंड को ले सकते हैं, अपने भैया दीदी को ले सकते हैं, और सेम इसी तरीके से आपको उनके साथ क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है. तो देखिए इस तरीके से आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट होम फ्रॉम स्कूल. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ हिंट बॉक्स में कुछ क्लूज दिए हुए हैं. टेक टर्न टू योर आस्क योर पार्टनर व्हाट ही और शी डज आफ्टर स्कूल एंड द वर्ड्स इन द बॉक्स विल हेल्प यू. तो यहाँ पर जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आप यूज़ करते हुए आप रिप्लाई कर सकते हैं, लाइक आई हैव लंच एंड आफ्टर हैविंग माई लंच आई वॉच टी वी फॉर हाफ एन आवर देन आई डू माई होमवर्क. उसके बाद आप क्या करते हैं, देन आई गो टू प्ले विद माई ब्रदर और सिस्टर, है ना. उसके बाद आप अगेन लिख सकते हैं, आफ्टर प्लेइंग आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड देन आई गो टू स्लीप एट 9 PM. तो इस तरीके से आप यहाँ पर वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उसके बाद अपने डायलॉग्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं. लाइक आपके जो फ्रेंड हैं उनसे आप क्वेश्चन करेंगे, वो रिप्लाई करेंगे, फिर आप उनसे क्वेश्चन करेंगे और आपको रिप्लाई करना है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस स्पीकिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है घर पर. नाउ टाइम टू राइट. अब हम करेंगे राइटिंग एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हर्लिन आस्क किया हाउ शी स्पेंड संडे. रीड द आंसर दैट कियाज गिव्स एंड देन कंप्लीट द क्वेश्चंस दैट हर्लिन आस्क. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो देखिए यहाँ पर हर्लिन और किया का कन्वर्सेशन आपको यहाँ पर गिवन है. हर्लिन के जो क्वेश्चंस हैं वो इनकम्प्लीट हैं और आपको क्या करना है, उसके आंसर किया ने जो रिप्लाई किया है, जो आंसर्स दिए हैं उनमें से आपको वर्ड्स लेकर हर्लिन के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है. तो देखिए यहाँ पर किया का जो रिप्लाई है वो यहाँ पर आप पहले रीड करिए. आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM. तो अब यहाँ हर्लिन का जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पर आप आंसर को देखते हुए आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. ओके, नेक्स्ट रिप्लाई देखेंगे आप क्या रिप्लाई क्या है. आई लाइक टू वॉच कार्टून ऑन टीवी, है ना. तो देखिए व्हाट डू यू, अब व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी. अब वहाँ उसने जो रिप्लाई किया है कि वो टीवी में क्या देखना पसंद करती है,
She liked to watch cartoons on TV. तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, What do you like to watch on TV? है ना? तो इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको टू सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ट्राई करना है, ये नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं, सेंटेंसेस जो हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चंस उनके आंसर्स में से क्लूज को लेकर, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, लाइफ स्किल्स। What does being friends mean? Cross out the point that are not correct. देखिए, एक अच्छा फ्रेंड क्या होता है, एक अच्छे फ्रेंड की का मतलब क्या होता है, आपको इसमें से जो पॉइंट्स आपको लगता है कि करेक्ट नहीं है, उनको आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। लाइक फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेइंग टुगेदर। तो एक अच्छे फ्रेंड के लिए आप क्या करेंगे, साथ में खेलेंगे, तो करेक्ट है ये। नेक्स्ट, नॉट शेयरिंग टॉयज एंड थिंग्स। आप अपने टॉयज और जो आपकी थिंग्स होंगे उनको शेयर नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, है ना? तो इस तरीके से आपको करना क्या है, उसको क्रॉस करना है। नॉट हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करेंगे आप, है ना? तो इसको क्या करना है, आपको क्रॉस करना है। नेक्स्ट, टॉकिंग काइंडली टू ईच अदर, एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे, है ना? तो फ्रेंड्स होते हैं तो फ्रेंड्स तो अच्छे से बात करते हैं, तो दिस इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट जो सेंटेंसेस पॉइंट्स आपको इसमें लगते हैं, उनको आपको क्रॉस करना है। तो इसको करने के साथ ही आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, और ये एक्सरसाइज आपको करनी है अपनी बुक में ही, ओके? और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय।